सारा का खून हुआ था वो। पर जारा तो एक बहुत ही पाक जात थी, उसका खून कोई क्यों? तुम्हें किसने बताया? सारा का कत्ल किया गया था कबीर, किया गया था कबीर। सारा की लाश इसी नदी में मिली थी। अबू, हमने कोशिश की जारा के कातिल को ढूंढने की, कोई सुराग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन अबू कुछ नहीं मिल पाया हमें। इसलिए असल में अबू हम आपके पास आए, मतलब देखिए ना, आपके पास ये ओहदा है जिसके जरिए हम पुलिस फोर्स की मदद ले सकते हैं ना, पूरी पुलिस फोर्स नहीं, अबू जितने चंद लोग आप दे सकते, उसे ढूंढना है, आपकी मदद चाहिए हमें। संभालो अपने आप को कबीर, हम से जरूर ढूंढेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो। जब से हमें पता लगा ना अबू, हम सो नहीं पाते, हर वक्त हमारे जहन में सिर्फ एक चीज है, इस खातिन को ढूंढो अबू। आपको पता है हम क्या दुआ करने लगे कि उस इंसान ने हमें क्यों नहीं गोली मारी? हमारे जारा की उस इंसान से बदला लेंगे अबू। तुम संभालो अपने आप को कबीर, अब हमारे पार्टी के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? शुक्र है सारे सबूत खत्म कर दिए हमने, कम से कम कबीर का शक अब हम पे नहीं आएगा कि सारा का कत्ल हमने किया था। हमारे कमरे का दरवाजा किसने खोल रखा है? तुम? ये रहे आपके सबूत, हमने अपना वादा पूरा किया। ये गुनाह आपने किया। हमसे सवाल पूछने से पहले, हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने से पहले, हमें गुनहगार ठहराने से पहले हमारे बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए था। जानती हो हमने जारा को क्यों मारा? वो हमारे और कबीर के बीच में आ रही थी, इसीलिए हमने उसका सफाया कर दिया। और एक क्यों,
अगर हजार जारा भी हमारे और कबीर के बीच में आएंगे तो हम उनका सफाया कर देंगे। और अब तुम्हारी बारी। तुम्हें कबीर चाहिए था, हमने तुम्हारी शादी कबीर से करवा दी। तुम्हें जो चाहिए था हमने किया। और तुमने हमारे साथ क्या किया? मम्मी नहीं पता उसके पास सबूत कहाँ से आया। मम्मी नहीं पता। तुमने हमारे साथ धोखा किया। हमारा बेटा हमसे दूर हो गया तुम्हारी वजह से। हम जिंदगी भर आपके गवाह बन के रहेंगे। हम अपनी बच्चों की कसम खाते हैं। हम अपनी बच्चों की कसम खाते हैं कि हम जिंदगी के हर मोड़ पर आपका साथ देंगे। अबू हमें माफ कर दीजिए। कभी धीरे चलो। काजी साहब, तीसरी बार आपकी चाय ठंडी हो गई। आप सुबह से तिलावट कर रहे हैं ना, ये बेचैनी क्यों है? कल हमने जारा को ख्वाब में देखा बेगम। जारा का ख्वाब? हमें डांट रही थी, हमसे कह रही थी कि आप दुनिया के सबसे झूठे इंसान हैं, दुनिया के सामने खुश रहने का दिखावा करते हैं। कह रही थी खुश रहा कीजिए, अपने लिए ना सही अम्मा के लिए खुश रहा कीजिए। ख्वाब में भी जारा हमारी इतनी फिक्र करती है, फिर भी चली गई हमें छोड़कर। वो खुश नहीं थी बेगम, उसे देखकर लगा कि वो बेपनाह बेचैन है। ये क्या कह रहे हैं? हमारी जारा की रूह बेचैन? नहीं नहीं काजी साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? अल्लाह जाने, हमें लगता था कि हमारी बेटी इस बुरी दुनिया से जाने के बाद बहुत खुश होगी, मगर ऐसा है नहीं बेगम। उसकी रूह बहुत बेचैन है बेगम। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि मरहूम ख्वाब में दिख जाए तो उसकी रूह का अंदाजा हो जाता है। हमारी जारा की रूह बेचैन है बेगम। बहुत बेचैन। बेचैन नहीं काजी साहब, कबीर मियां आप? उसकी रूह तकलीफ में है। तकलीफ? क्या पता है आपको? और बताइए ना, क्या 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 बात है? आप सपना देख रहे थे, हम हकीकत देखकर आ रहे। जहन्नुम जैसी हकीकत। जहन्नुम? क्या कह रहे हैं आप कबीर मियां? हमारी दुनिया खत्म हो चुकी है काजी साहब। गलत थे हम जारा की मौत के बारे में। हमारी जारा की मौत हादसा नहीं थी। मारा गया था।
जरूर कराएंगे, सिर्फ एक रात का मौका चाहिए हमें। जिसकी बीवी का कत्ल होता है और उसे कातिल का पता चल जाता है, वो मौका नहीं तलाशता कभी मियां। रात का इंतजार नहीं करता, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो आप मौका तलाश रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपने वालिद को बचाना चाहते हैं? इस्तखारा, इस्तखारा, इस्तखारा मतलब? इस्तखारा मतलब सलातुल हाजत की नमाज पढ़ना, जिसमें खुदा खुद ब खुद रास्ता दिखाता है कि उसे करना क्या है। कबीर मियां समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या है, अपने अब्बू को सजा दिलानी है या नहीं। काजी साहब, हम इस्तखारा इसलिए करना चाहते क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे वालिद को कानून के हवाले करना है या उसके सीने में खुद जाकर हमें गोली मारनी। काजी साहब, हम जारा की कसम खाते हैं, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये हमें देखना है और वो अल्लाह ताला हमें बताएंगे। वकील साहब, आप आज तक कोई केस नहीं हारे हैं, हमारा केस ले लीजिए, जितने पैसे चाहेंगे मिल जाएंगे। हर काम पैसों के लिए नहीं होता नेताजी, हम तो जज की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, हमारी इतनी सी तमन्ना पूरी कर दीजिए, हम आपके सर से इल्जाम का हर दाग मिटा देंगे। बहुत खूब, आपका दावा दिलचस्प है और काबिले गौर है। ठीक है, शुक्रिया। अबू, हम कब से कबीर को फोन कर रहे हैं, हमने उस जारा को भी फोन किया था, लेकिन दोनों का फोन लगातार बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। कबीर पुलिस लेकर आ, तुम पागल हो गए हो, पुलिस लेकर आ गए। हेलो, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। पुलिस आई जरूर है लेकिन हमें गिरफ्तार करने नहीं, हमारी हिफाजत के लिए। मौत के फरिश्ते जब आते हैं ना, दुनियावी हिफाजत के घेरे टूट जाते हैं। आज ये पुलिस आपकी हिफाजत करने आई है, कल हो सकता है जारा के कत्ल के जुर्म में आपके इन्हीं हाथों पर हथकड़ियां बनाएं।
सबको बताना चाहते कि आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, इस्तखारा करने वाले हम। कबीर क्या हुआ, इस्तखारा का क्या नतीजा निकला, अल्लाह ने क्या इशारा किया? इस्तखारा का नतीजा यह निकला है कि जारा के मौत का बदला लेने के लिए हमें अपने वालिद का खून नहीं करना है। जारा को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुल्क का कानून काफी। और जान लीजिए आप सब, हम कंप्लेन दर्ज करवाने वाले हैं और जारा के कातिल को हम खुद सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। कबीर, साबित क्या करना चाहते हो? अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से पूरे अहमद खानदान और अब्बू की इज्जत पे कितना बड़ा धब्बा लग सकता है। बरसों लगे अब्बू को इस मुकाम तक पहुंचने में, राजनेता बनने का सपना पूरा हुआ है उनका और तुम उनकी कंपेन की। जारा की मौत जारा के कारनामों की वजह से हुई। रही अब्बू की बात तो हम सारा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। काजी साहब को जितना पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन तुम ये कंप्लेन नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब हम एक काम करते हैं, हम काजी साहब से जाके ये कहेंगे कि कशान भाईजान का खून कर दे, और आपके मुआवजे में जाके जीनत भाभी से ये पूछेंगे कि कितना पैसा मिलना चाहिए उनको। कबीर, आपके सामने कोई बेटा नहीं खड़ा है, किसी का भाई या किसी का देवर नहीं खड़ा है, एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसकी बीवी का कत्ल किया गया है। उस कातिल को हम सजा दिलाएंगे। देखिए ना, अम्मी ने हमारे हाथों पर क्या लिख दिया है। हमारे दादू कातिल। अभी तो सिर्फ पेन से लिखा है कबीर, अगर तुम इस घर से बाहर गए या तुमने कंप्लेंट करने की कोशिश भी की, हम अमान की पेशानी पे सच में लिख देंगे कि उसके दादू कातिल हैं। अगर तुम अमान के मुस्तकबिल की जरा सी भी परवाह करते हो तो तुम अपना कदम इस घर से बाहर नहीं निकालोगे।